कंप्यूटर एजुकेशन का ये हमारा 8th पार्ट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे माउस के बारे में कि माउस क्या होता है, माउस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और माउस के क्या क्या काम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माउस होता क्या है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के स्क्रीन के पॉइंटर या कर्सर को कंट्रोल करता है। इस पॉइंटर के जरिए हम कंप्यूटर के अंदर फाइल्स, फोल्डर्स और दूसरे सभी आइटम्स को खोलने, बंद करने, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, उनकी जानकारी लेने में इस्तेमाल करते हैं। इन सभी कामों को करने की वजह से इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। कोई भी कंप्यूटर यूज़र इसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या काम करना है। इस तरह ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है। हम कंप्यूटर के हर एक हिस्से में इसकी मदद से जा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं माउस के पार्ट्स के बारे में। माउस का सबसे पहला पार्ट होता है बटन। हर एक माउस में कम से कम दो बटन तो ज़रूर होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये लेफ्ट बटन है और ये राइट बटन है। माउस का दूसरा पार्ट होता है व्हील। आजकल के डेस्कटॉप माउस में व्हील जरूर लगा हुआ होता है जिससे हम पेज में स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन यानी कि पेज के ऊपर नीचे आसानी से जा सकते हैं। पेज के ऊपर जाने के लिए इस तरीके से हम इसको घुमाएंगे और पेज के नीचे आने के लिए इस तरीके से हम इस व्हील को घुमाएंगे। तो ये व्हील भी माउस का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। माउस का थर्ड पार्ट होता है बॉल, LED या फिर लेजर। इसके अलग अलग टाइप्स में बॉल या रोलर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे नॉर्मली हम मैकेनिकल माउस के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह की माउस में लेजर या LED का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम ऑप्टिकल माउस के नाम से जानते हैं। इन रोलर और LED की वजह से ही हमें माउस पॉइंटर को ट्रैक करने में मदद मिलती है। यहाँ पर जो आप मेरे पास माउस देख रहे हैं ये एक ऑप्टिकल माउस है। इसमें यहाँ पर एक LED लगी हुई है। माउस का फोर्थ पार्ट है सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड माउस के अंदर लगा हुआ होता है। माउस के द्वारा किए जाने वाले क्लिक, इसकी एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट के इस्तेमाल से बनता है। माउस का फिफ्थ पार्ट होता है केबल या फिर वायरलेस रिसीवर। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए माउस में वायर दिया जाता है। आजकल के ज्यादातर माउस में केबल कनेक्टिविटी के लिए USB पोर्ट दिया होता है। अगर आप वायरलेस माउस का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको एक वायरलेस पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक USB माउस है क्योंकि इसमें एक केबल दिया गया है और इस केबल की हेल्प से हम इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। जबकि जो वायरलेस माउस होता है उसमें केबल नहीं होती है, उसमें इस तरीके का एक पोर्ट होता है जो हम कंप्यूटर में लगा देते हैं और फिर माउस बिना केबल के चलता है। चलिए हम बात करते हैं कि माउस कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। माउस 5 टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैक बॉल माउस, स्टाइलस माउस। पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल माउस की। इस माउस का आविष्कार सन 1972 में बिल इंग्लिश ने किया था। मैकेनिकल माउस इंस्ट्रक्शंस के लिए एक बॉल का इस्तेमाल करता था, इसलिए इसे हम बॉल माउस भी कहते हैं। इस बॉल को दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाया जा सकता था। सेकंड है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस LED और DSP यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक पर काम करता है। इस माउस में कोई भी बॉल नहीं होती, इसकी जगह पर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, इसलिए माउस को हिलाने पर पॉइंटर हलचल करता है और इसमें मौजूद बटन के द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आजकल इसी तरह के माउस का इस्तेमाल होता है। इन्हें एक तार के द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है जो इसे इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति भी करती है। ऑप्टिकल माउस इस्तेमाल में काफ़ी ईजी होते हैं। थर्ड है वायरलेस माउस। बिना तार का माउस वायरलेस माउस कहलाता है, इसे कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं। ये माउस रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी RF टेक्निक पर आधारित होता है, मगर इसकी बनावट ऑप्टिकल माउस की तरह ही होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने के लिए एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की ज़रूरत होती है। ट्रांसमीटर तो माउस में ही बना होता है और रिसीवर को अलग से कंप्यूटर में लगाया जाता है। इस माउस को चलाने के लिए बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें अलग से एक छोटी बैटरी खरीदनी पड़ती है। फोर्थ है ट्रैकबॉल माउस। इस माउस की बनावट भी कुछ ऑप्टिकल माउस की तरह होती है, मगर इसमें कंट्रोल करने के लिए ट्रैकबॉल का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़र को अपनी उंगली या अंगूठे से बॉल को घुमाना पड़ता है। ये माउस हमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं देता और इसे चलाने में भी काफ़ी समय लगता है। फिफ्थ माउस है स्टाइलस माउस। इस तरह के माउस को G-स्टिक माउस भी कहा जाता है क्योंकि स्टाइलस माउस का आविष्कार गॉर्डन स्टेवर्ट ने किया था।
इसलिए जी स्टिक में जी का मतलब गॉर्डन होता है। ई माउस एक पेन की तरह दिखाई देता है जिसमें एक पहिया यानी व्हील भी होता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर टच स्क्रीन डिवाइसेस में किया जाता है, जैसे कि टच स्क्रीन लैपटॉप आते हैं उनमें स्टाइलस माउस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि माउस के क्या क्या काम होते हैं। माउस को जब कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसमें एक LED ऑन हो जाती है। माउस को इस तरीके से हम मूव करते हैं, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक एरो साइन है, इसको कर्सर कहा जाता है। जैसे जैसे हम माउस को मूव करते हैं वैसे ही ये कर्सर भी मूव होता रहता है। माउस का सबसे पहला काम होता है पॉइंटिंग यानी पॉइंट करना। जैसे यहाँ पर काफी सारी फाइल्स रखी हुई है तो किसी भी फाइल पर अगर मैं इस कर्सर को लेकर जाता हूँ तो ये उसको पॉइंट करता है, वहां पर एक बॉक्स बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इस पर लाता हूँ तो यहाँ पर एक बॉक्स बन जाता है, तो इसको कहा जाता है पॉइंटिंग या फिर माउस और। माउस का दूसरा काम होता है सिलेक्टिंग यानी किसी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करना। जैसे कि यहाँ पर ये एक फाइल है, इसके ऊपर मैं कर्सर को लाता हूँ और यहाँ से लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस कर देता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है और यहाँ पर इसकी डिटेल्स शो होती है। माउस का तीसरा काम होता है क्लिकिंग यानी क्लिक करना। माउस में जो बटन दिए गए हैं इन बटन को प्रेस करने को क्लिक करना कहा जाता है। क्लिक दो तरह के होते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। पहले हम बात करते हैं राइट क्लिक की। अगर हम किसी भी फाइल या फोल्डर पर जाकर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन सब की एक लिस्ट यहाँ पर शो हो जाती है और उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके हम उस एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सिंगल क्लिक, किसी भी फाइल पर हम सिंगल क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई मेन्यू है उसको ओपन कर सकते हैं, कोई URL है तो हम वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। दूसरा होता है डबल क्लिक। जब हम इस लेफ्ट बटन को 2 टाइम प्रेस करते हैं एक ही साथ तो उसको कहा जाता है डबल क्लिक। डबल क्लिक से हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फाइल रखी हुई है, इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो डबल क्लिक करके हम किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। तीसरा होता है ट्रिपल क्लिक। यहाँ पर माउस में जो लेफ्ट बटन है इसको अगर हम 3 बार एक साथ प्रेस करें तो उसको कहा जाता है ट्रिपल क्लिक। ट्रिपल क्लिक का क्या काम होता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कर्सर आ जाता है, वही अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं 3 टाइम क्लिक करता हूँ तो ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। तो ये फर्क होता है सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक में। जब भी आपसे कहा जाए कि सिंगल क्लिक प्रेस करिए तो आप यहाँ पर इसको एक बार प्रेस करेंगे, अगर आपसे कहा जाए डबल क्लिक करिए तो आप इसको एक साथ 2 बार प्रेस करेंगे, और अगर आपसे कहा जाए कि ट्रिपल क्लिक करिए तो आप इसको एक साथ 3 बार क्लिक कर देंगे। माउस का फोर्थ वर्क होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी किसी भी फाइल को हम माउस की हेल्प से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख सकते हैं। इसके लिए बस हमें करना ये होगा कि पहले कर्सर को उस फाइल के ऊपर लेकर के जाना है और फिर यहाँ पर लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और प्रेस किए हुए ही माउस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक फाइल को दूसरी जगह पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। माउस का फिफ्थ वर्क होता है स्क्रॉलिंग, यानी कि पेज में ऊपर नीचे जाना। जैसे कि यहाँ पर इस पेज में हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, तो यहाँ पर इस व्हील को जैसे जैसे हम घुमाएंगे वैसे ही हम पेज के ऊपर नीचे जाते रहेंगे। सो गाइज, आई होप कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि माउस क्या होता है, माउस के पार्ट्स क्या होते हैं और माउस के काम क्या होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे MS DOS के बारे में कि ये क्या होता है और इसमें काम कैसे किया जाता है।